अरे लवकर चल, वेळेत पोचलो पाहिजे. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक. अभी तो हम फटाफट निकलते हैं क्योंकि टाइम पे पहुंचना है. क्यों ये आपको आगे बताते हैं. वैसे गाड़ी एकदम बढ़िया लग रही है ना. फाइनली हम निकल चुके हैं दोस्तों. जब भी मैं घर से निकलता हूँ और बाइक को देखता हूँ ना, तो यार एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, एकदम एनर्जी आ जाती है. आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, अगर होता है तो अगर कमेंट करके बताना. यहीं से पेट्रोल भरवाते हैं ताकि आगे रुकना ना पड़े. फिर आपको बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा. अगर कुछ भी पसंद आता है तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना. तो अभी हम डायरेक्ट रुकेंगे अपने डेस्टिनेशन पर. चलिए आपको भी बता देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं. वैसे जो लोग विदर में रहते हैं उनको थंबनेल देख ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो हम अभी जा रहे हैं मुक्तागिरी. मुक्तागिरी ये एक जैन तीर्थस्थल है और ये बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है. मतलब चारों तरफ जंगल है और दो पहाड़ों के बीच में बसे हुए बहुत सारे यहाँ पे मंदिर है, जो दिगंबर महावीर के यहाँ पे बहुत सारे टेंपल हैं. यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है. जब हम बचपन में जाते तो मैं बचपन में बहुत बार गया हूँ, तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही बढ़िया. तो चलिए आपको भी दिखा दे, आप रास्ते को एंजॉय करिए, हम मिलते हैं आपको अभी मुक्तागिरी में. खरबी जो कि परतवाड़ा बैतूल रोड पे है. तो हम यहाँ से जाएंगे अंदर और यहाँ से बस मुझे लगता है 7 या 8 किलोमीटर होगा मुक्तागिरी. मतलब इसे मुक्तागिरी फाटा भी कहा जाता है. तो चलते हैं, लगता है रोड थोड़ा सा ख़राब है. तो Thank you.
सप्तागिरी। तो गाड़ी लगाते हैं और फिर चलते हैं। चुके हैं और हमारे फुटवेयर्स हमको बाहर ही रखने पड़ते हैं, आप ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं। और हमने गेट पे ही अपना नाम, नंबर, गाड़ी का नंबर और कितने लोग जा रहे हैं सब लिखा हुआ है। मुझे लगता है हमें आगे भी करना पड़ेगा एक बार रजिस्ट्रेशन। हम जरा ये जो हमने अभी दूसरी बार रजिस्टर में अपना नाम लिखा है, तो ये फ़ी है यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से फ़ी पड़ती है आप ऊपर जाने के लिए, यानी कि मंदिर पर जाने के लिए। तो अभी हम जो देख रहे हैं आजू बाजू में, ये जो हॉस्टल टाइप या फिर दिख रहा है, तो ये सारी जगह भक्तों के लिए है। जो भी जैन धर्म से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उनके लिए रहने की जगह है। और ये बहुत ही, तो यहाँ पे आगे होती है स्टेयर्स की शुरुआत और हमें जाना है वहाँ ऊपर। ये रही शुरुआत, तो चलते हैं, स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर में हमारी हालत हो गई ख़राब। प्रतीक्षा की हालत मेरे से ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि उसने कल ही लोअर बॉडी वर्कआउट किया था, तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों की हालत क्योंकि हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। लोअर बॉडी जब तक हम ऊपर नहीं पहुंचते तब तक आप भी देखते रहिए, आपको भी एहसास हो जाएगा। कंटा आए थे वर जाऊन बसू आपण, आणि जे बंद होऊ नये म्हणून आपण आलो तिथं अजून वर आहे। फाइनली हम जहाँ से मंदिर स्टार्ट होते हैं वहाँ तक तो हम फाइनली पहुँच गए और ये है ऊपर से ब्यूटीफुल व्यू। तो आइए जानते हैं यहाँ के हिस्ट्री के बारे में। मुक्तागिरी एक जैन तीर्थस्थल है। यहाँ पर कुल 52 टेम्पल है जिनको 10वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में राजा एल श्रीपाल के काल में बनाया गया है, जो कि इचलपुर यानी कि आज का अचलपुर के राजा थे। मुक्तागिरी को मिंधागिरी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 10वें जैन मुनि तीर्थकार भगवान शीतलनाथ यहाँ आए थे तो यहाँ पर मोतियों की बारिश हुई थी, इसी कारण इसे मुक्तागिरी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में एक मुनिराज झरने के पास ध्यान कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ ऊपर से फिसलकर एक भेड़ यानी मेंढी नीचे मुनिराज के पास गिर गई। तभी मुनिराज ने नमोकार मंत्र का जप किया तो उस वजह से उस भेड़ को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह भगवान बन गई। भगवान बनकर उसने वहाँ पर मोतियों की बारिश की, उसी वजह से इसे मेंढागिरी भी कहा जाता है। और आज भी यहाँ पर अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को केसर की बारिश हुई होती है ऐसा माना जाता है।
वहाँ पे नीचे हमने हमारी गाड़ी लगाई है और हम ऊपर आए हैं और अभी हमको जाना है वहाँ ऊपर। तो ये है यहाँ का वाटरफॉल जो कि बहुत बड़ा है। मगच वीडियो पाएल तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ बहुत सारा पानी था, तो सोचे तो मैं वीडियो भी डाल दूँगा। यही वो मंदिर है जिसे 10वीं सदी में पहाड़ के अंदर खोद के बनाया गया है। ये बहुत ही बढ़िया और शांत है। यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं जो स्टोन कार्विंग करके बनाई गई है। तो ये है यहाँ का मुख्य मंदिर। यहाँ पे बहुत सारी मंदिर है लेकिन इस मंदिर को यहाँ का मुख्य मंदिर माना जाता है और ये अंदर से इतना खूबसूरत है। चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको सजाया गया है। आप एक बार इस मूर्ति को देखिए, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, तो अभी हम जाते हैं ऊपर के मंदिर में, यानी कि झरने के ऊपर एक मंदिर है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमको चढ़ना पड़ेगा। हम जिस लिए जल्दी जल्दी आए हैं वही छूट जाएगा क्योंकि 11 बजे जो नीचे का गेट है वो बंद हो जाता है। तो चलते हैं। तो यही वो गेट है जो 11 बजे बंद हो जाता है और आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ जल्दी आए हैं। तो चलते हैं। ये हमारे पहल नौ तो मिला इतन जाता जाए नौ तो मिला हमें तसच वापस इस काम पड़ लो ना। फिर से हमारी वही कंडीशन थी। तो मिलते हैं आपको ऊपर जाके, तब तक आप नज़ारा एंजॉय करो। बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से। फाइनली पहुंच गए और मेरी कंडीशन आपको ब्रीदिंग से पता चल ही जाएगी। तो अभी नॉर्मल हो गए हैं। तो ये जो पुल बना हुआ है ये यही से नीचे से झरने का पानी जाता है और नीचे गिरता है। बिल्कुल हम झरने के बिल्कुल ऊपर ही खड़े हैं, तो यहाँ से व्यू देख सकते हैं। वैसे अगर आपको यहाँ आना है तो रेनी सीज़न और विंटर सीज़न बहुत ही बढ़िया है। अभी तो यहाँ पतझड़ हो रही है तो इस वजह से थोड़े जो नज़ारे हैं वो थोड़े इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन विंटर में और रेनी सीज़न में ये बहुत ही बढ़िया होते हैं। अभी हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं। एक मिनट है। अभी आपको एक और चीज़ दिखाना बाकी है। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टेम्पल है, चलिए आपको दिखाते हैं। नीचे एक केव है जिसमें टेम्पल है, जहाँ पे पाषाण की बनी मूर्तियाँ रखी हुई है। चलिए तो यही है वो केव टेम्पल। तो चलते हैं अंदर।
जो पाए रहता है। हम आगे से भी बाहर जा सकते हैं। मुख्य मूर्ति था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मूर्तियाँ हैं, बहुत ही बढ़िया स्टोन कार्विंग है, और ये लगभग 6 फुट की है सर। ये तो अभी हम बाहर आ गए हैं, मुझे लगता है हमने मुक्तागिरी पूरा कवर कर लिया है। वहाँ से नीचे से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे आने के लिए एक रास्ता है और उतरने के लिए दूसरा रास्ता है। ये नीचे उतरने का रास्ता, तो अभी हम चलते हैं फटाफट नीचे। मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ, पर मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कभी भी इस जगह को विजिट करें तो यहाँ की शांति बनाए रखें और इस शांति का आनंद लें। धन्यवाद।